प्रदेश में कांग्रेस की कलह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए बीजेपी से बड़ी चुनौती अपने विधायक ही बनते जा रहे हैं। सितंबर महीने में कांग्रेस के 81 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे का मामला लगातार गरमाया हुआ है, जहां विधानसभा में राजस्थान हाई कोर्ट में इस मसले पर चल रही सुनवाई में विधायकों के स्व इच्छा से इस्तीफे नहीं देने की बात सामने आई है। इस मामले में जहां बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं अब पायलट गुट भी गहलोत सरकार को निशाने पर लेने में कोई कोताही नहीं बरत रहा। विधायकों के इस्तीफे कांड पर अब गहलोत बनाम पायलट कैंप की लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। ताजा मामला पायलट गुट के वरिष्ठ विधायक और पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ा है, जहां उन्होंने इस्तीफे पर हो रही राजनीतिक पर अपने विचार रखे हैं। सभी कांग्रेस के लोग दुखी हैं इस्तीफों के प्रकरण को लेकर। विधायकों के ये जो इस्तीफे हुए, अब कहते हैं कि स्वेच्छा से नहीं हुए, स्वेच्छा से भी हुए ही हैं और नहीं भी हुए हैं तो भी जो कुछ घटनाक्रम चला वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की परंपरा रही है 25 तारीख को जो चीज़ें हुई, निश्चित रूप से सभी लोगों को तकलीफ हुई है और हाईकमान इसका संज्ञान लेगा, जांच भी करने की बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा पहले 50 वर्षों से, तो मैं भी थोड़ा सक्रिय हूँ, किस तरह की कोई घटना हुई हो। अब जो चैप्टर क्लोज हो गया उस पर चर्चा नहीं हो करके आगे की रणनीति बनानी चाहिए। सरकार कांग्रेस की दोबारा से आ सके, इस बात के लिए सभी प्रयासरत हैं, चाहे प्रदेश के नेता हों चाहे देश के कांग्रेस के नेता। आज जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, निश्चित रूप से देश में बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार को बदलने का है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब नहीं हो सकेगा। आज जिन परिस्थितियों में जिस तरह की चीज़ें उठ रही है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निश्चित रूप से हाईकमान पर विश्वास रखता हूँ और कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेताओं पर भी मुझे भरोसा है कि वो सारी स्थितियों को देख करके आगे कदम बढ़ाएंगे। वहीं बीजेपी ने इस्तीफे के मामले में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ गुरुवार को विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बीजेपी विधायकों ने 25 सितंबर को स्पीकर के सामने पेश होकर बाकी विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाले 6 मंत्री विधायकों पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने और मंत्री महेश जोशी के खिलाफ रामलाल शर्मा ने विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है।